गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज सुबह गार्डन जाने वाली थी लेकिन आज भी जाना हुआ नहीं क्योंकि आज योगेश चूरू जा रहे थे ना, इसलिए जाना नहीं हुआ। उनकी ट्रेन ना 9 बजे की थी लेकिन उसने मेरे को ना 7 बजे जगाया। इतनी ज्यादा नींद आ रही थी ना, मैं क्या ही बोलूँ, उठने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। खास करके मेरे को सुबह उठने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो योगेश ने बोला कि उठ करके जल्दी से पहले मेरे को मैगी बना दो, मेरे को खा करके निकलना है। तो मैंने ब्रश तक नहीं किया, सबसे पहले उनके लिए मैगी बनाया, फिर वो उनको खिलाया और फिर वो गए। उसके जाते ही ना मेरे को इतनी ज़्यादा नींद आने लगी ना, तो मैंने सोचा 15-20 मिनट सो लेती हूँ फिर जग करके मैं खाम वाम कर लूँगी। लेकिन 15-20 मिनट के जगह ना मैं 2 घंटे सो करके अब जा कर के जगी हूँ और अभी जा कर के मैं फ्रेश और होंगी। माँ क्या कर रही होती सुबह सुबह? मैं कपड़ा समेट रही हूँ, कल धोया था ना वो अब सूखा है, अब जा करके सूखा है। मौसम खराब हो रखा है, कितनी जोर से बरसात हो रखी है देखो। अच्छा मौसम खराब हो रखा है भाई, कितनी तेज बारिश हो रही है। वाओ मौसम तो बहुत ही अच्छा है, वैसे तो काफी मस्त मौसम हो रही है, हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है इधर। अभी मैं सबके लिए मैगी बना रही हूँ क्योंकि योगेश तो आज है नहीं जो बनाएंगे, इसलिए मैं खुद बना रही हूँ। माँ क्या बना रहे हो खाने में आज? पकौड़ी बना रही हूँ बेटा। पकौड़ी बना रहे हो? बेसन की पकौड़ी। बेसन की? हाँ। क्या क्या डाल के बना रहे हो? आलू है। हाँ। मिर्ची है। अच्छा। प्याज है। अच्छा। बैंगन है। अच्छा इन सब की है? मिर्ची है, फूलगोभी है। मजा आ जाएगा आज खाने में। हाँ। बाबू यहाँ अकेले खेल रहे हैं। ओ लेस के पास तो कोई है ही नहीं, सबने इसको छोड़ करके इधर भाग गए, सारे इसको छोड़ करके। ओ तेरे को सब छोड़ करके भाग गए अकेले? ओ अकेले खेल रहा है भाई, क्या हुआ? क्या मम्मी को खोज रहा है? ओ रोना नहीं है, रोना नहीं है, बिल्कुल भी रोना नहीं है। मम्मा आ रही है, मम्मा आ रही है। अभी जीजू दीदी ना मेरे को बोल रहे अर्शी चल कहीं बाहर घूम करके आते हैं, और मेरा भी मन हो रहा है घूमने का क्योंकि आज मौसम भी बहुत ठंडा है और घूमने में मज़ा भी आएगा। तो चलो अब मैं फटाफट से रेडी होती हूँ। तो अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, कैसी लग रही हूँ कमेंट्स में ज़रूर बताना। बस जीजू दीदी रेडी हो जाए फिर निकलेंगे हम लोग। मम्मा पापा तो वैसे ही नहीं जा रहे क्योंकि बाबू अभी सोया हुआ है और बाबू को आज बाहर वैसे नहीं लेके जा सकते क्योंकि आज का मौसम बाहर बहुत ठंडा हो रहा है, इसलिए मम्मा पापा घर पर रुक रहे और मैं तीन जा रहे हैं। जीजू दीदी भी रेडी हो ही गए, बस अब निकलने वाले हैं। सबसे लेट जीजू ही करते हैं हमेशा रेडी होने में, पता नहीं लड़की है ना, हो गया मैं तो रेडी, लड़की की तरह रेडी होते हैं। तो अब हम आ चुके हैं कैब में, शाम तो अभी हो गई, पता नहीं पहुंचते पहुंचते कितना टाइम लगेगा, लेकिन आज तो शॉपिंग करके आना है, बस कल के तरह ना हो। नेक्स्ट टाइम करेंगे। अब हम लोग मॉल से निकल चुके हैं, हमारी शॉपिंग भी हो चुकी है, बस अब कैब आ जाए फिर हम लोग सीधा घर निकलेंगे। तो फाइनली अब हम घर पहुंच चुके हैं और मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया है, तो चलो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमने क्या शॉपिंग किया है। जीजू ने लिया है अपने लिए स्पाइकर का जींस और दीदी ने जारा ब्रांड का लिया है जो कि दीदी को बहुत ज़्यादा पसंद है जारा ब्रांड का ड्रेस, और मैंने लिया है अपने लिए ओनली का। दीदी क्या कर रही है? सुला रही हूँ बाबू को। सोया नहीं अब तक बाबू? सोया है लेकिन अभी अच्छे से सुला रही हूँ, उठा रही हूँ, ठंडी आ गई। अरे बाबू उसको तो नींद आ रही है, दीदी सोया ही नहीं है, ये तो सो रहा है सोया नहीं है। खेलेगा थोड़ी सी देर? खेलेगा मेरा बाबू? हाँ खेलेगा, ये तो सोता है, कराटे मार रहा है। तो आप लोगों को मेरी व्लॉग कैसी लगी ये कमेंट्स में ज़रूर बताना, और जिसने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया वो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। तो अभी मैं चलती हूँ, बाय बाय।